मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बेटा ग्रीक वर्ड है, थर्म मीन्स होता है हीट, थर्म मीन हीट, और डायनामिक्स मीन्स मोमेंट, मोशन। तो इसका मतलब है हीट इन मोशन, हीट इन मोशन। और अब आपको पता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इसका मतलब है हीट इन मोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज। यहाँ पे अपने को जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज, एनर्जीज का एक दूसरे में कन्वर्ट होना। ठीक है, हीट मूव कर रही है, मीन्स एनर्जी फ्लो कर रही है। यहाँ पे और पढ़ेंगे हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये सब कुछ पढ़ने के लिए एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर करेगी, कि एनर्जी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ये सब कुछ पढ़ने के लिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वन बाय वन ये स्टडी करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे बेटे अब स्टार्ट कर रहे हैं मेनली आज सम बेसिक टर्म्स विच यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। ये सब कुछ सीखने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म्स यूज होंगे, सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक टर्म्स विच यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटे क्या कर रहे थे केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए कंप्लीट यूनिवर्स को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, कि यूनिवर्स के दो पार्ट होते हैं, वन इज सिस्टम एंड अनोदर वन इज सराउंडिंग। क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, दो पार्ट बता दे कि यूनिवर्स पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग। अब किसे सिस्टम बोलते हैं, किसको सराउंडिंग बोलते हैं? बट सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, और यू कैन से विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, लोग वो पार्ट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी की बात करें तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं और आप मीन्स अपने एक क्लासरूम है, ये क्या होगा सिस्टम, और रेस्ट होगा पार्ट, इसके अलावा जो भी बाहर बच गया वो सारा सराउंडिंग, जो पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो पार्ट तो हो गया सिस्टम, और इसके अलावा जो बाकी बच गया वो सारा सराउंडिंग। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ अपने क्लासरूम की, तो जो क्लासरूम है वो तो हो गया सिस्टम और बाकी बचा हुआ सारा पार्ट सराउंडिंग। अब मान लीजिए हम ना एक बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, ये ले लिया हमने बीकर, ओके, ओपन बीकर है, यहाँ पे डाल दे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसे ऊपर से ऐड कर दिया HCl, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोफ्लिन की ड्रॉप डाल रखी थी, कलर पिंक हो गया था, आपको पता है कि बेस गिव्स पिंक कलर विद फिनोफ्लिन, तो यहाँ पे NaH सॉल्यूशन था उसमें फिनोफ्लिन की ड्रॉप डाल दी पिंक कलर। फिर ये देखना चाहते हैं हम कितना HCl ऐड करें ताकि ये सॉल्यूशन पिंक से कलरलेस हो जाए, तो यहाँ पे HCl ऐड करते गए, तो ये सारा हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये अपना बीकर है ना बेटा, ये तो हो गया सिस्टम, वी ऑब्जर्व हियर, अपने ये पार्ट यूनिवर्स का जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, तो ये वाला पार्ट तो हो गया सिस्टम और बाकी इसके अलावा जो भी हो सारा सराउंडिंग। तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मैं एक बच्चे को लेके बैठ जाऊँ, जैसे मैं हूँ और ये एक स्टूडेंट है, मैं इसे कुछ समझा रही हूँ, ठीक, तो दिस स्टूडेंट इज अंडर माई ऑब्जर्वेशन, और यू कैन से रिवर्सली कि आई एम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब हम काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये तो हो गया सिस्टम, ये तो क्या हो गया सिस्टम, और इसके अलावा जो बाकी बच गया वो सराउंडिंग। तो बेटा सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट जो करता है उस पोर्स को बोलते हैं बाउंड्री, क्या बोलते हैं, बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है,
that imaginary line or that real line with separate out system and surrounding. जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है उसे बोलते हैं बाउंड्री. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले कहा क्लासरूम, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो बेटा जो क्लासरूम की वॉल्स हैं, ये वॉल्स है चारों तरफ, ये क्या हो गए सराउंडिंग. कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो ये अपना क्लासरूम तो हो गए सिस्टम, और बाकी सारा बच गया वो सराउंडिंग. तो वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम, इस रूम की जो वॉल्स है वो क्या होगी बाउंड्री. तो बेटा बाउंड्री मे बी इमेजिनरी और बाउंड्री मे बी रियल. बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है. जैसे क्लासरूम की बात करें तो अपने को ये वॉल्स दिख रही हैं, तो ये वो रियल बाउंड्री. अब यहाँ पे देखो, नया सॉल्यूशन था, फिनोफ्थलीन की ड्रॉप डाली पिंक हो गया. फिर हमें ये देखना चाह रहे हैं कि अब कितना एचसीएल रिक्वायर्ड होगा इसे पिंक से कलर लेस करने के लिए. तो बेटा ये वाला पार्ट होगा सिस्टम, बाकी सारा सराउंडिंग. तो यहाँ पे जो वॉल्स ऑफ ग्लास बिकर है ये हो गई रियल बाउंड्री, पर अभी तो हम सारा जो काम कर रहे हैं यहीं तक कर रहे हैं, यहीं पे अपना सॉल्यूशन है. तो बेटा इस ये वाली बाउंड्री कैसे हुई इमेजिनरी, कि हम इस ग्लास बीकर को ही देख रहे हैं. तो ये वाले जो ऊपर वाला सरफेस है ना, सरफेस यहाँ पे तो कोई थोड़ी लगता होगा क्लोज कंटे का, नहीं है ओपन ग्लास की तरह. तो ये ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, ये सारा बच गया, ये तो सारा सिस्टम और इसके बाहर सारा सराउंडिंग. तो ये बाउंड्री तो रियल हो गई, बट ये बाउंड्री कैसी होगी बेटा इमेजिनरी. ये इमेजिनरी बाउंड्री है. एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, एक रूम में बैठे और एक को पढ़ाने लग गए. तो बेटा मैं और ये स्टूडेंट, ये सिस्टम है कि हम एक दूसरे की अंडर ऑब्जर्वेशन है, कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारा बच गया वो सराउंडिंग. तो यहाँ पे कोई इमेजिनरी बाउंड्री, सॉरी यहाँ पे कोई रियल बाउंड्री थोड़ी है. हाँ, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब एक दूसरे से हम एक साथ काम करने लग रहे हैं. तो यहाँ पे बाउंड्री कैसी होगी इमेजिनरी. तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है. अच्छा और सुनिए बात बाउंड्री की बेटा, बाउंड्री मे बी कंडक्टिंग और से बोलते डायाथर्मिक. डायाथर्मिक अगर किसी सिस्टम की वॉल्स कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वॉल्स मीन्स अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट. तो बेटा एक ही बात है, ये बोल दे डायाथर्मिक या कंडक्टिंग. अगर हीट ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में तो बोलेंगे बाउंड्री कैसी है डायाथर्मिक, या बाउंड्री कैसी है कंडक्टिंग. और अगर बेटा बाउंड्री ऐसी है कि नॉट अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट तो उसे क्या बोलेंगे एडियाबेटिक वॉल्स. क्या बोल देंगे एडियाबेटिक वॉल्स, एडियाबेटिक बाउंड्री. एडियाबेटिक बोल दे या इंसुलेटेड बोल दे, कि इंसुलेशन कर दिया कि ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी, इंसुलेटेड बाउंड्री. तो क्या बताया कि अगर कभी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट आउट कर रही है बाउंड्री वो अपने में से हीट को ट्रांसफर होने दे तो बोल देंगे बाउंड्री डायाथर्मिक या कंडक्टिंग है. ओके डायाथर्मिक है या कैसे है कंडक्टिंग है. और अगर बाउंड्री ऐसी जैसे थर्मस फ्लास्क की बात करें, चाय उसमें रखते हैं गर्म की गर्म रहती है, मतलब हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, तो वो थर्मस फ्लास्क की जो वॉल्स है वो कैसी है एडियाबेटिक है, कैसी है इंसुलेटेड है. तो बाउंड्री में भी एडियाबेटिक, बाउंड्री में भी डायाथर्मिक, मीन्स कंडक्टिंग वॉल्स भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग वॉल्स भी हो सकती है. ठीक, तो ये तो था बेटा सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में, कि दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच अंडर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ जैसे हम केमिकल प्रोसेस में देंगे तो जो केमिकल रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन चल रही है वो तो गए सिस्टम, और बाकी जो भी बच गए वो बेटा सब सराउंडिंग, और इन दोनों को जो सेपरेट आउट कर रही है वो बाउंड्री. ओके नाउ टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम बट एक सिस्टम है ना वो अपने से मास और एनर्जी को ट्रांसफर होने देगा या नहीं देगा, इस बेस पे बता दे. सिस्टम तीन टाइप के होता है, सिस्टम्स आर ऑफ थ्री टाइप, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम. इफ ए सिस्टम अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास, इफ ए सिस्टम अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास, बेटा जहां पे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सके उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम. मान लिया जी मैंने एक ग्लास में बॉइल्ड वाटर ले लिया, ठीक है, ये इतना फिल कर दिया बॉइल्ड वाटर बेटा, और इस बॉइल्ड वाटर को मैंने कहां पे रख दिया रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर मान लीजिए सपोज कर लिया 30 डिग्री सेल्सियस, बॉइल्ड वाटर है
मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रख दिया, आफ्टर 2 आवर्स वी ऑब्जर्व कि जो लेवल है वाटर का लेवल है कुछ कम हो जाएगा बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स सम वाटर गोइंग आउटसाइड। और बेटा टेम्परेचर है वो इसका 100 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होके और धीरे 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 कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर बच जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो दिस हॉट वाटर बिकम्स कोल्ड, ये हॉट वाटर जो गर्म पानी से ठंडा हो गया तो इसका मतलब हीट है ना, हीट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम इट्स हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग बाउंड्री है, क्यों अलाउ कर रही है ट्रांसफरेंस ऑफ हीट को, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बेटा बॉइल्ड वाटर तो वेपर्स जो बन रहे थे वो वेपर्स बाहर चले गए, इससे लेवल कुछ कम हो गया, तो वाटर का लेवल कम हो गया तो कुछ वाटर का मास कम हो गया, तो ये ऐसा बिकर कैसा हो गया, ओपन सिस्टम। ये अपना ये वाला सिस्टम क्या होगा, हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये ओपन सिस्टम है, अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी। एक कंटेनर में हमने ले लिया मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, क्या ले लिया, सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड लेट अस सम एडेड HCl टू दिस, इसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ऊपर से डाल रहे हैं, इसमें बेटा हम एसिडिक सोल्यूशन डाल रहे हैं HCl, ये एसिड डाल रहे हैं, ठीक डाल दिया भी HCl। तो बेटा मान लीजिए अपने पास है जो सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन था, इसमें सोडियम कार्बोनेट था सपोज कर लिया 2 ग्राम, HCl जो हमने इसमें ऐड कर दिया, मान लीजिए HCl हमने ऐड कर दिया इसमें 1 ग्राम, तो टोटल इस सोल्यूशन में जो मास की बात करूं, तो अगर मैं वाटर की बात छोड़ दूं, वाटर का भी मास है, वाटर मान लीजिए सपोज कर लिया 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम वाटर है टोटल HCl और Na2CO3 सोल्यूशन में मिला के 2 ग्राम है, Na2CO3 है 1 ग्राम इसमें HCl डाल दिया तो टोटल 5 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल Na2CO3 और HCl मिक्स करने के बाद अपने पास मास 5 ग्राम होना चाहिए, बट आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व देयर इज अ मास इज लेस देन 5 ग्राम, क्योंकि ये बेटा इसी से रिएक्ट किया, क्या बन गया यहाँ पे NaCl, क्या बना H2O, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ CO2, बेटा CO2 क्या होगा गो टू द आउटसाइड, CO2 बाहर जाता जाएगा, CO2 बाहर जाता जाएगा, तो दैट सिस्टम इज ओपन कि मास यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि कुछ मास चला गया सराउंडिंग में CO2 की फॉर्म में, ठीक है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज, सोल्यूशन बिकम्स वार्म, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस। 10th में आपने पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, हम आगे इस चैप्टर पढ़े भी है, तो ये रिएक्शन होती है बेटा एक्सोथर्मिक, हीट प्रोड्यूस होती है तो सोल्यूशन गर्म हो जाएगा, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम ये कहाँ पे आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई थी सोल्यूशन जो गर्म हुआ था, जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर हुआ था, हीट फ्लो कर गई टू द सराउंडिंग, तो ये सिस्टम कैसा कहलाएगा, ओपन सिस्टम। आई थिंक क्लियर कि जहां पे एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं वो ओपन सिस्टम, नाउ क्लोज्ड ए सिस्टम विच ओनली अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैन एंटर इन साइड द सिस्टम और एनर्जी कैन बी लेफ्ट आउट बाय द सिस्टम, एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग के पास आ जाए, सराउंडिंग से सिस्टम के पास चले जाए, तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बट नॉट ट्रांसफेरेंस ऑफ मास, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे हमने जो बॉइल्ड वाटर लिया था, उस बॉइल्ड वाटर को बेटा आप क्लोज कंटेनर में लो, ऊपर से कंटेनर क्लोज है, वॉल्स कैसी ऐसी कंडक्टिंग, तो यहाँ पे बॉइल्ड वाटर हाई टेम्परेचर है, कुछ देर के बाद बेटा टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, हीट फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वॉल्स कंडक्टिंग है तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट वेपर्स कैन नॉट गो आउट, वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, ये लेवल थोड़ा डिक्रीज होगा क्योंकि वेपर्स बनेंगे, पर क्या होगा ये वेपर्स बेटा कंडेंस होगी वापस यहीं पे आ जाएंगे, तो जितना वाटर था सारा सारा यहीं पे रहेगा, वेपर्स बाहर तो जाएगी ही नहीं, वेपर्स बनेंगे बट वो कंडेंस होगी वापस यहीं पे आने लगे, कंटेनर क्लोज्ड है तो ये क्लोज होते हैं, मास एक्सचेंज नहीं होता बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, ठीक, तो ये क्लोज्ड। आइसोलेटेड सिस्टम विच नाइदर अलाउड द ट्रांसफेरेंस ऑफ मास एंड नोर ऑफ एनर्जी, बेटा जहां पे मास और एनर्जी दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर ना हो, उसके सिस्टम सराउंडिंग के बीच में मास एनर्जी का ट्रांसफेरेंस ना हो, ना मास एक्सचेंज हो उसके ना एनर्जी एक्सचेंज हो उसके, उसे बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए हमने थर्मस फ्लास्क में ले लिया हॉट मिल्क ले लिया, तो बेटा जो थर्मस फ्लास्क की जो वॉल्स है वो कैसी है, एडियाबेटिक वॉल्स, एडियाबेटिक मीन्स नॉट अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती यहाँ पे, एडियाबेटिक वॉल्स है, नॉट अलाउ द ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट,
अब बेटा क्लोज्ड है तो मास तो बाहर में जाएगा ही नहीं, तो देयर इज नाइदर ट्रांसफरेंस ऑफ मास एंड नोर ऑफ एनर्जी। तो हमने ये थर्मस क्लास में हॉट मिल्क लिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फॉर द 6 आवर्स, ये बिहेव कर रहा है बेटा कैसे, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह, कि ना यहाँ पे मास एक्सचेंज हो रहा ना एनर्जी। तो एनर्जी को अगर एक्सचेंज नहीं करना तो बेटा वॉल्स कैसे होने चाहिए, आइसोलेटेड। इफ यू नॉट वॉन्ट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देन यूज द सिस्टम ऑफ सच टाइप व्हिच वॉल्स आर एडियाबेटिक। पर कई बार क्या होता है ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वॉल्स एडियाबेटिक होती है फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ये हम आगे पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बेटा एनर्जी की हीट की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होती, एनर्जी वर्क की फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकती है। मान लीजिए ये ले लिया मैंने कंटेनर और इस कंटेनर की बेटा वॉल्स कैसी है, एडियाबेटिक, मीन्स हीट कैन नॉट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं रख दिए वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ध्यान समझना कैसे पिस्टन है ये, इसका ना अपना खुद का वेट है ना ये फ्रिक्शन फील कर रही, मीन्स इसके ऊपर अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो बेटा नीचे तरफ आने लग जाएगी, और अगर गैस का प्रेशर नीचे वाले सरफेस से गैस प्रेशर ज्यादा लगेगी तो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। मान लिया गैस का प्रेशर है 1.5 एटमोसफेयर, गैस यहाँ पे ले रखी उसका प्रेशर कितना 1.5 एटमोसफेयर, और बेटा बाहर जो एयर है एयर मान लीजिए प्रेशर कितना लगा रही है 1 एटमोसफेयर, ठीक है। आगे हम पढ़े भी गैस है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो एयर जो इस कवर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ये जो कवर है इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है 1 है और अंदर जो गैस लग रही है 1.5, तो बताओ इसके नीचे वाले सरफेस से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर ज्यादा है बाहर एयर की बजाय, तो ये गैस इसे पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलना चाहेगी। तो बेटा क्या होगा दैट स्टार्ट टू शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये जब बेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा तो नो गैस स्प्रेड इन द मोर स्पेस, वॉल्यूम हो जाएगी इंक्रीज और फिर धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये पिस्टन कब तक ऊपर की तरफ शिफ्ट होती गई, अंटिल इट्स प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो प्रेशर बेटा 1.5 से डिक्रीज हो गया 1.2 1.1 और क्या होगा 1। तो अब बताओ यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुई कहाँ पे, सिस्टम से सराउंडिंग में गई एनर्जी, किस फॉर्म में गई बेटा वर्क की फॉर्म में, कि ये जो गैस है ये पिस्टन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है तो ये तो वर्क डन बाय द गैस, ये धकेल रही है ऊपर की तरफ, कुछ चीज हमें धकेलने के लिए एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई, इवन वॉल्स कैसी थी एडियाबेटिक। तो यहाँ पे एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हुई, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, वर्क की फॉर्म में। तो मैं कहूंगी दैट सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड नहीं है। हम ऐसा करते कि ये चारों तरफ से वॉल्स ले ली मैंने कैसी, इन एडियाबेटिक, ठीक है, और ये रिजिड वॉल्स है मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो सकते, इसमें आप गैस ले लो, अब ये गैस अपने आप को एक्सपेंड करके अपने आप साइज नहीं बढ़ा सकती, अब यहाँ पे इस ये अपने वॉल्यूम को नहीं बढ़ा पाएगा तो यहाँ पे अब प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में वर्क नहीं हो पाएगा, तो अब ये सिस्टम परफेक्टली कैसा होगा, आइसोलेटेड, कि वॉल्स एडियाबेटिक, हीट तो ट्रांसफर हो ही नहीं रही थी, यहाँ पे तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी नहीं हो रहा। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क की ज्यादा टेंशन मत लेना, ये बहुत हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। अच्छा तो ये तो था बेटा सिस्टम के बारे में कि ओपन मीन्स जहाँ पे मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो उसके, क्लोज्ड एनर्जी कैन एक्सचेंज बट नॉट मास, और इंसुलेटेड आइसोलेटेड नाइदर मास नोर एनर्जी, मास एनर्जी कुछ भी चेंज ना हो तो आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, अब हम आगे पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। बट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ना दो टाइप की होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को दो क्लास में डिवाइड कर लिया, एक तो होती है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक तो होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम में कितनी आपने अमाउंट ले रखी है उस पर डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने जो सब्सटेंस ले रखी है उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट,
द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच आर नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, कि सिस्टम में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की साइज पे डिपेंड नहीं करती। हमने सिस्टम में कितना सब्सटेंस ले रखा अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें बोलते बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मान लीजिए हमने ना एक टब में 10 लीटर वाटर ले लिया, 10 लीटर वाटर, ओके, ओपन एयर टब, बट इसके ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है, तो एयर का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 एटमोसफेयर। अगर मैं इस टब में वाटर 10 लीटर ना लेके मैं यहाँ पे वाटर बेटा 2 लीटर ले लू, तो भी इसके ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है, ओपन है एयर, तो यहाँ पे भी क्या है 1 एटमोसफेयर प्रेशर। तो क्या प्रेशर इस सिस्टम पे, इस वाटर पे कितना प्रेशर लग रहा है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर मैं इस टब की साइज छोटी कर दूं, मैंने ये ले लिया, अब मैं इसमें ले लू 110 ml वाटर, मैंने साइज सिस्टम की कम कर दी, वाटर भी यहाँ पे कम ले 10 ml ले लिया, इसमें प्रेशर कितना लगा रहा है, वही एयर 1 एटमोसफेयर प्रेशर। तो प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रेशर नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। टेम्परेचर, लेट अस ऑल दीज आर प्लेस एट द रूम टेम्परेचर, सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे, सबको मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, तो बेटा ये रूम टेम्परेचर, यहाँ पर रूम जहाँ पे रखा हुआ उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर 30 30 30, एसी रूम में रख दिया, वहां पे टेम्परेचर सेट कर रखा मान लीजिए 18 डिग्री सेल्सियस, तो तीनों का कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर रूम वहां पर रखा रहेगा तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये कैसे प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। अच्छा हम बात करें स्पेसिफिक हीट, और एक बात करें हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी के बारे में भी आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो बेटा हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, ध्यान सुना, हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी तो अमाउंट पे डिपेंड करेगी, एक तो मैं कंटेनर में लू 2 लीटर वाटर, एक में लू 10 लीटर वाटर, तो 10 लीटर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। एक तो आप ना एक वेसल में पानी लो आधा ग्लास, और एक मैं उस वेसल को पूरा पानी से भर दूं, आप उसको गर्म करना चाहोगे, टेम्परेचर बढ़ाना चाहोगे, तो वो तो थोड़ा सा आधा ग्लास पानी लिया है, थोड़ी सी हीट देते हैं उसका टेम्परेचर तो जल्दी बढ़ जाएगा। तो बेटा हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है अमाउंट पे, तो जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करती है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, विच डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, अमाउंट पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, उन्हें बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे वॉल्यूम, हमने 2 लीटर लिया 10 लीटर लिया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अमाउंट के अकॉर्डिंग, मास चेंज हो जाएगा बेटा, एनर्जी अमाउंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, पार्टिकल जहां पर जाता होंगे एनर्जी ज्यादा होती चाहिए। और अभी जैसे पता है हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द अमाउंट, हीट कैपेसिटी बेटा अमाउंट पर डिपेंड करती है। और एक मैं बोलूं मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, तो सुनो मोलर वर्ड जहां लग गया, मोलर मतलब एक मोल के लिए, तो मोलर हीट कैपेसिटी निकाले की सब्सटेंस की, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप यहाँ पे मोल्स 10 लो, मैंने कह दिया 10 मोल अपने पास मान लीजिए आयरन है, मैं कह दू मेरे पास 20 मोल आयरन है, मैं कह दू मेरे पास 40 मोल आयरन है, तो तीनों की बेटा मोलर हीट कैपेसिटी तो बराबर होगी, जब 10 लो 20 लो 40 लो, मुझे चाहिए क्या हीट विच रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे तो यहाँ पे भी 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट कितनी लगी वो देखना है, यहाँ पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए वो देखना है। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसा प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव, जबकि हीट कैपेसिटी कि मुझे इस पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, मुझे इस कंप्लीट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो बेटा हीट कैपेसिटी कैसी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होती है अमाउंट ऑफ हीटनेस रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हमने 2 किलोग्राम
आयरन ले लिया, मैंने 1 किलोग्राम आयरन ले लिया, मैंने 40 किलोग्राम आयरन ले लिया, बेटा तीनों की स्पेसिफिक हीट तो सेम ही होगी कि मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम सब्सटेंस मुझे यहाँ पे लेना है, मुझे भी यहाँ पे 1 ग्राम लेना है, यहाँ 1 ग्राम लेना है। तो स्पेसिफिक हीट कैसी प्रॉपर्टी होगी बेटा, इंटेंसिव, जबकि हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। तो जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो तो एक्सटेंसिव, और जो अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है वो इंटेंसिव। अच्छा एक बात और सुना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा कैसा आएगा बेटा, इंटेंसिव, इंटेंसिव है। मतलब एक्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वाई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो एक्स बाई वाई, जो प्रॉपर्टी आएगी नेक्स्ट वो इंटेंसिव होगी। जबकि एक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इनका रेशियो भी कैसा आएगा, इंटेंसिव। एक्स प्लस वाई भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिशन इंटेंसिव, उनका डिवीजन इंटेंसिव, और बेटा उनका प्रोडक्ट भी इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या बता रहे हैं कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है कि इंटेंसिव। जैसे मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास अमाउंट पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव है। तो मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, बट बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव। हम वाटर की डेंसिटी बताते हैं, तो हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट पर ml, कितना ग्राम वाटर आया 1 ml में। तो बेटा 1 ml हमने वॉल्यूम फिक्स कर दी, तो 1 ml में हमेशा वाटर का मास तो फिक्स है, जैसे 1 ग्राम आता है 1 ml में, 1 ग्राम मास आता है H2O का, तो 1 ही रहेगा। तो वाटर चाहिए आप पूरे टंकी का ले लो, पूरे टब का ले लो, वाटर की डेंसिटी हमेशा क्या बताओगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो उसमें तो सब्सटेंस का मास जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग अकोमोडेट हो सकता है बेटा, उतना ही होगा। हम बोल दें कि मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेटा मरकरी की अमाउंट कितनी ले लो, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि 1 ml स्पेस में कितनी ग्राम मरकरी आई। जी आप मरकरी 20 ml और 200 ml लो, मुझे तो यही देखना कि 1 ml में कितना ग्राम मरकरी आई। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करो नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स है वो बेटा एक्सटेंसिव है, 1 मोल होगी, 2 मोल होगी, तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो एक्सटेंसिव है, ठीक है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, बट इनका रेशियो क्या है, इंटेंसिव, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं देखने, हर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सब्सटेंस है। तो मोलर कंसेंट्रेशन से मींस आप मोलरिटी ले, हम मोलरिटी ले, नॉर्मलिटी ले, मास परसेंटेज ले, जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ी थी, कोई भी कंसेंट्रेशन ले लीजिए, वो कैसी प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, हम प्लस टू पढ़ेंगे आगे, और थोड़ा सा प्लस वन में पढ़ेंगे आगे रिडॉक्स चैप्टर वाले में, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो EMF ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, EMF ऑफ एनी सेल कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव, ठीक। जबकि मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी पढ़ेंगे। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव। एक मेन पॉइंट आप ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। और सुनना, एक्सटेंसिव एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव एडिटिव प्रॉपर्टी है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। ये भी आगे बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं ए से कन्वर्ट हुआ बी में, एनर्जी 20 दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए ये दे दिया कि इस प्रोसेस के लिए EMF दे दिया 2 वोल्ट, बी कन्वर्ट हुआ बेटा सी में,
इसके लिए EMF दे मान लेते 3 वोल्ट। अब मैं कह दूं A कन्वर्ट हुआ C में, तो बेटा 2+3 5 वोल्ट का, इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं है। EMF कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट एडिटिव। जबकि मैं कह दूं A B में कन्वर्ट हुआ, मान लीजिए एनर्जी रिलीज 200 जूल, B C में कन्वर्ट हुआ एनर्जी मान लीजिए रिलीज 300 जूल, तो बेटा अगर A C में कन्वर्ट होगा ना तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी 500 जूल। एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती है। न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तब आपको ये फिर और क्लियर हो जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव, ठीक। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट अपने पास आता है स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ये क्या होता है? तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट पैरामीटर क्या होते हैं? व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल, व्हाट आर द स्टेट पैरामीटर्स, या व्हाट आर द स्टेट फंक्शन? तो दीज आर दोज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, दोज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। उनका मैग्नीट्यूड बेटा इनिशियल स्टेट पर फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उन्हें बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन, विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम की एनर्जी कितनी है, वो किस प्रेशर पे है, किस टेम्परेचर पे है, तो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन पैरामीटर्स को यूज करते हैं उन्हें हम बोल देते हैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन। दोज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। एक गैसेस सिस्टम है, वो बेटा किस प्रेशर पे है, किस टेम्परेचर पे है, कितनी उसकी वॉल्यूम है, कितनी उसकी इंटरनल एनर्जी है, क्या उसकी एंट्रोपी है, क्या उसकी गिब्स फ्री एनर्जी है, कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती है ना, ये क्या होती है, यहाँ पे एक एंथैल्पी और रहेगा ये 8, ये बेटे ये सारे क्या होते हैं, एक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। इन सब का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ओनली अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ए से बी में कन्वर्ट हुआ, ए की मान लीजिए बेटा इंटरनल एनर्जी, टर्म्स यूज करेंगे आगे, इनसे मत घबराइए, आगे हम पढ़ाएंगे क्या क्या होती है चीजें। तो मान लीजिए इंटरनल एनर्जी था बेटा यहाँ पे यू ए, और जब बी में कन्वर्ट हो तो इंटरनल एनर्जी होगी यू बी। तो कितना चेंज हुआ, दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। ये ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए इसने पाथ कौन सा फॉलो किया, पाथ इसने कौन सा फॉलो किया, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज होना किस पर डिपेंड कर रहा, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक गैस एक्सपेंड हुई, तो बेटा गैस एक्सपेंड होता है उसका प्रेशर P1 से डिक्रीज हो गया, P1-X हो गया, तो वो इनिशियल प्रेशर क्या था, फाइनली क्या हो गया, ये डिपेंड करा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, कौन सा पाथ फॉलो किया इस पे डिपेंड नहीं करेगा। एक हमने ना किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया हाइट पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो डिपेंड कर रही है उसके स्टेट पे, उसने उस स्टेट तक जाने के लिए, उस हाइट तक जाने के लिए स्टेयर्स वाला पाथ फॉलो किया।